हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए आज मैं जा रही हूँ पंजीरी बनाने। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, धनिया मैंने एक कटोरी लिए, लगभग 200 ग्राम के लगभग 100 से 200 ग्राम के लगभग हल्दी होगा क्योंकि धनिया हल्की होती है। मखाना मैंने एक कटोरी लिए हैं, कुछ बतासे मैंने लिए हैं और थोड़ा सा मैंने चीनी लिया है, 25 ग्राम के लगभग चीनी। चीनी की मात्रा मैं इसलिए कम ली हूँ क्योंकि मैंने बतासे इसमें डालूंगी। घी है 2 चम्मच के लगभग, घी है घी मखाना भूनने के लिए है। तुलसी के पत्ते हैं, 2-3 इलायची है। तो चलिए बनाते हैं। मैं इंडक्शन को ऑन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं अभी मैंने इंडक्शन को ऑन कर दी है। अभी फिर मैंने जो कि बताई थी वही मैं डाल करके मखाना भूनने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इंडक्शन गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें मखाना डाल करके भूनूंगी, उसके बाद में धनिया भूनूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं धनिया भूनने जा रही हूँ। सॉरी, मैं मखाना पहले भूनूंगी उसके बाद धनिया भूनूंगी। मैंने मखाने भून लिए हैं, आप देख सकते हैं इधर मैंने मखाने भून लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ, आप चाहे तो मूँगफली के कुछ दाने भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ड्राई फ्रूट आप अपने खाने पर जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से मूँगफली के दाने भी भून लिए हैं। उसके बाद में धनिया देख सकते हैं सारी घर में। मैं इसमें धनिया डाल करके इसको अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा ठंडा करूँगी इसे। पहले आप इस तरह से भून लें, उसके बाद में जब ये अच्छे से भून गया उसके बाद में सुगंध आने लगती है, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कितना भून लेना। इस तरह से आप भी भून लें, इस तरह से भून लें, इस तरह से पूरे बराबर से चलाते हैं। आप देख सकते हैं धनिया अच्छे से भून गया है, इस तरह से आप भी भून लें। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी, लहसुन को मैं बंद कर दी। लहसुन अब ठंडा होने देखेंगे, उसके बाद में आप इसे ग्राइंड करें, फैला लें इसे ठंडा। हेलो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे धनिया को मिक्सी जार में डाल लिए हैं। इधर मैंने ड्राई फ्रूट को भी कट कर लिए हैं पूरे से। अब मैं इसमें चीनी डाल करके इसको ग्राइंडर जार में पीस लूँगी, इससे बहुत अच्छे से पीस भी जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने धनिया को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। धनिया और चीनी को आप भी इसी तरह से ग्राइंड कर लें, रुक रुक करके ग्राइंड करें जिससे कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट जो के उसको मैं मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने कुछ मखाने को मैंने तोड़ लिए तो कुछ ऐसे ही छोड़ दिए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगे। मैंने कुछ बताते हैं, आप चाहे तो इसकी जगह और भी ड्राई फ्रूट आपके पास घर में उपलब्ध हो तो वो डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसे तोड़ लें, इस तरह से तोड़ करके डाल दें। पूरी तरह से अच्छे से चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब आप इसे चम्मच की सहायता ले करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इस तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से देखिए कैसे पूरे तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये देख सकते हैं। इस तरह से आप मिक्स कर लें, देखिए तो मिक्स कर लें। इसके ऊपर धनिया की पत्ती डाल देती, सॉरी धनिया की पत्ती नहीं, आप इलायची डाल सकते हैं और क्या कहते हैं आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। तुलसी के पत्ते भगवान को बहुत ही प्रेम प्यार से भोग में लगाया जाता है कान्हा जी को, और आप भी इस तरह से इसे लगाएं। जरूर बनाएं और आप लोगों ने क्या बनाया है वो मुझसे शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस जन्माष्टमी पर। आप भी अपने खाने के लिए इस तरह से सुंदर सा बनाइए। पंजीरी पंजीरी से बहुत सारी रोटी होती है, मैंने कुछ आप लोगों को बताया है, आप लोगों को पसंद आएगा।